फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी करने वाले दो बदमाशों से थाना शिकोहाबाद पुलिस की हुई मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली दोनों बदमाशों पर एक दर्जन के करीब है मुकदमा। बदमाशों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती। थाना शिकोहाबाद के नेशनल हाईवे 2 पर पेट्रोल पंप के सामने पुलिस को सूचना मिली कि अपाच मोटरसाइकिल पर दो बदमाश जा रहे हैं, जो कि पूर्व में अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर कई लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाश भागने लगे और भागते हुए नेशनल हाईवे 2 नंबर से उतरकर झाड़ियों की तरफ मोटरसाइकिल को मोड़ लिया। तब वहां पर भी पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने बचाव में फायर किया तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और बदमाश वहीं गिर गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूछताछ में एक बदमाश ने बताया कि उसका नाम शेषपाल है, जो कि जसवंतनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। वहीं दूसरा बदमाश विश्राम नाम का है, उस पर भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस दोनों बदमाशों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची है, जहां दोनों बदमाशों का उपचार किया जा रहा है। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, किस तरह का मामला था, पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है? देखिए, पिछले जो है 1.5-2 महीनों से एक ग्रे अपाचे से उनकी सूचना मिलती थी कि टप्पेबाजी पुलिस वाले बनकर ये जो है टप्पेबाजी करते थे और लोगों से पैसे लेते थे। कुछ दिन पहले थाना मक्खनपुर में 1.5 लाख रुपए की इसी प्रकार की हुई थी। आज भी सूचना मिली कि ये ग्रे कलर की अपाचे बाइक है, जो इससे पैसे और लेकर निकली है। इस मौके पर आए जो हमारे थाना सिकोहाबाद की पुलिस और मेरी गाड़ी द्वारा पीछा किया गया। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं बालाजी मंदिर से आगे पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पे इनको पकड़ा गया तो ये झाड़ियों की तरफ भागे, वहाँ से इन्होंने तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को जो है पैर में गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इसमें से एक बदमाश जो है शेषपाल है, जो थाना जसवंतनगर का रहने वाला है। इसके ऊपर जो है 12 से ज़्यादा लूट और सिलाइटी के मुकदमे हैं, ये गैंगस्टर भी है। इसके अलावा एक विश्राम नाम का जो है अपराधी है, जो थाना करण क्षेत्र का रहने वाला है। इसके भी आधे दर्जन मुकदमे हैं और इस क्षेत्र में मतलब फिरोजाबाद क्षेत्र में इन्होंने कई सारी ऐसी घटनाएं की हैं, लगभग आधा दर्जन। तो सारे में ये वांछित चल रहे थे, आज इन्होंने मौके पर इनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, इसमें घायल हुए हैं। आगे जो भी है अभी मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए नहीं, पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से एक फायरिंग की गई थी जिससे पुलिसकर्मी बार बार बचा है।